हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे घिया यानी लौकी और चने दाल की सब्जी। देखिए इसके लिए मैं क्या क्या ली हूँ। लौकी है और ये भिगोई हुई चने दाल है। इसे मैं 10 मिनट के लिए भिगो के रखी थी। और ये तड़के का सारा सामान है, जिसमें एक टमाटर, एक प्याज, कुछ खड़े गरम मसाले और लहसुन, हरी मिर्च, और यहाँ मैं हींग रखी हूँ। पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को 1 से 2 सीटी आने तक बॉईल करेंगे। चलिए इसे हम बनाते हैं। ये देखिए लौकी, चना और पानी। मैं थोड़ा ही पानी डाली हूँ, बाद में इसे बनने के बाद पानी डालूंगी। और ये हल्दी पाउडर, नमक, और ये सब मिक्स करने के बाद मैं थोड़ा इसमें तेल डालूंगी। मैं सरसों का तेल डाली हूँ। इससे क्या होता है ना कि ये कुकर जो है, सीटी लगने पे इसका बाहर जो निकल के पानी आता है वो चिपकता नहीं है, तो थोड़ा तेल डालने से ये फेंकता नहीं है। चलिए इसे हम बनाते हैं। ये देखिए हमने कुकर चढ़ा दिया है गैस पे। इसे 1 से 2 सीटी आने तक पकाएंगे। उसके बाद हम आगे तड़के के लिए इसको रेडी करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे दाल बॉयल हो गए हैं। देखिए तेल डालने की वजह से ना इसमें कहीं भी येलो येलो नहीं लगा है और ना ही ये बाहर निकल के आया है। बिल्कुल नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा दिख रहा है ये। आइए अब हम अपना दाल चेक करते हैं। ये देखिए हमारा दाल बिल्कुल गल गया है। चलिए इसे अब हम तड़का लगाते हैं। ये देखिए हमारी कढ़ाई गर्म हो गई है। मैं इसमें सरसों का तेल डाल रही हूँ यानी मस्टर्ड ऑयल। आप घी में भी इसको फ्राई कर सकते हैं। ये देखिए हमारे तेल गरम हो गए हैं। मैं इसमें डालूंगी पहले तेज पत्ता और ये सारे खड़े गरम मसाले एक साथ, और इसके चटकने के बाद ये हरी मिर्च और लहसुन। मैं इसको कूट ली हूँ, आप चाहे तो खड़ा भी डाल सकते हैं। मैं इसे दरदरा कूट ली हूँ। मसाले हमारे चटक गए हैं। अब मैं इसमें प्याज डालूंगी और इसे थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। प्याज लहसुन भी हमारे सब भून चुके हैं। अब टमाटर डाल के इसको इसमें अच्छे से हम पकाएंगे, जब तक ये पूरा मैश ना हो जाए यानी पूरा गल ना जाए। टमाटर को अच्छे और जल्दी से पकाने के लिए थोड़ा मैं इसमें नमक डालूंगी। मैं नमक पहले भी डाली थी इसके लिए, बस मैं ये टमाटर को गलाने के लिए मैं थोड़ा सा नमक डाली हूँ ताकि जल्दी गल जाए। ये देखिए हमारा टमाटर अच्छे से गल गए हैं। मैं इसमें ये तीखी वाली नहीं है, बस कलर वाली है, लाल मिर्च थोड़ी सी डालूंगी, और ये थोड़े गरम मसाले, और ये धनिया पाउडर। और अब हम इसको मिक्स करेंगे क्योंकि अब सारे मसाले तो भुन चुके हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सब मसाले भुन गए हैं। अब हम इसमें ये दाल डालेंगे। दाल डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके एक बॉयल आने तक हम इसको पकाएंगे। ये देखिए कितने सुंदर खिले खिले दाल भी दिख रहे हैं और हमारी घिया भी दिख रही है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे दाल उबल गए हैं, बिल्कुल पक्के रेडी हो गए हैं। अब इसे मैं सर्विंग बाउल में मैं दिखाती हूँ आपको कैसा दिखता है इसका कलर। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे घिया दाल यानी लौकी और चने की सब्जी बन के रेडी है। आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।